अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस नाजिया एंड आई एम डिस्कसिंग अ टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी हाउसेस जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं, कितने किस्म के हम घर जो हैं वो बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाउसेस में जो हैं, हाउसेस आर ऑफ मैनी काइंड्स। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड स्टील एंड सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड, हे एंड स्ट्रॉ। यानी जो कुछ घर ऐसे होते हैं जो हम सीमेंट वगैरह से बनाते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको हम वुड के साथ, तिनकों के साथ, घास फूस होती हैं उसके साथ जो हम बनाते हैं। तो ये घर की यानी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। और एक घर में जो है वो मेन जो टाइप्स जो हम घर बनाते हैं उसमें मेन चीज़ होती है रूफ, यानी उसकी जो छतें होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। छतें जो होती हैं वो भी टू टाइप्स हो सकती हैं, जैसे इन हॉट प्लेसेस होती हैं रूफ्स हैव, हाउसेस में मेन जो है वो रूफ्स होती हैं। और रूफ्स होती हैं उनमें भी हम टू टाइप्स ऑफ रूफ कह सकते हैं, जैसे हॉट प्लेसेस हैं तो वहाँ पे घर जो होती हैं, जो घर हम बनाते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो फ्लैट रूफ्स होती हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है हॉट प्लेसेस में। इसी तरह जो हमारे जो स्लोपिंग रूफ जो है वो बनाई जाती हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्नो होती हैं, इसलिए वहाँ पर जो है वो स्लोपिंग रूफ वाली छतें जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज और भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम टेंट्स बनाते हैं, तो टेंट्स जो होते हैं ये टेम्परेरी हाउसेज होते हैं और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह जब हमें मूव ऑन करना होता है, जब जाना होता है, तो तब हम टेंट जो है ना उसको यूज़ करते हैं। यानी हम जल्दी से टेंट को फोल्ड कर लेते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जो है हम चले जाते हैं और वहाँ पर हम रह सकते हैं। इसके अलावा जो है हम उसके बाद इग्लोज जो हैं वो बनाते हैं, उस टाइप के हाउसेज होते हैं जो स्कीमोज होते हैं, स्कीमोज लिव इन इग्लोज। इग्लूज होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, इग्लूज मेड अ बिग ब्लॉक ऑफ आइस, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं आइस के, उनके साथ इग्लूज जो है बनाया जाता है। बट ऑलवेज इग्लूज आर ऑलवेज वार्म इनसाइड, लेकिन ये अंदर से जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके अलावा जब हम, ये तो होगी टाइप्स ऑफ हाउसेज और इसके अलावा इसमें हम जो पीपल जो इसको बनाते हैं, पीपल हु बिल्ड हाउसेज, जो ये लोग घर बनाते हैं उनमें कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं जिनके मदद से हम घर जो है वो बनाते हैं, तमीर करते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट होते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो डिज़ाइन करता है घर को, सबसे पहले तो डिज़ाइन बनाएंगे कि उसके रूम्स कैसे बनेंगे या कितने उसमें वॉशरूम हैं या जितने रूम्स हमने, जिस तरह का भी घर हमने डिज़ाइन करना है वो हम सबसे पहले वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद जो है आर्किटेक्ट के बाद आ जाएगा मेसन, यानी मेसन जो क्या करता है वो सीमेंट को मिक्स करता है और ब्रिक्स की मदद से वॉल्स के साथ पूरे घर को यानी बनाता है, यानी मेन इंपॉर्टेंट काम उसका होता है मेसन का। फिर इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं जितने भी हमें लाइट्स और बल्ब चाहिए होते हैं उनकी फिक्सिंग के लिए हम इलेक्ट्रिशियन जो है उसको हायर करते हैं, वो ये काम करता है बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक का जो काम होता है घर में वो। उसके बाद हमारे पास प्लम्बर होते हैं, जो टैप और पाइप्स की फिटिंग होती है वो प्लम्बर करते हैं। और वुड वर्क यानी जो कारपेंटर होता है वो वुड वर्क करता है, अलमारियाँ हमारी घर की, विंडोज़ और डोर जो है वो बनाता है, तो ये जो है वो कारपेंटर का काम होता है। तो ये सब लोग जब मिलते हैं तो ये इनकी मदद से हमारा पूरा एक घर जो है वो रेडी होता है। तो इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज बनते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, घर को कैसे बनाया जाता है, मेंटेन कैसे किया जाता है, तो इनमें ये सब लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। तो आपने टाइप्स ऑफ हाउसेज को जो है वो अच्छे से वो लर्न करके आना है। घर जो है वो हमेशा एरी होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, खुला घर जो है वो होना चाहिए। और इतने घर में हम उसकी डेकोर के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव में जो है वो उसकी टाइप्स बताई गई हैं कि ये पिक्चर्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उनके नेम जो है वो इधर पुट करने हैं। जैसे पहले उन्होंने एक बॉक्स एक बनाया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने एक सीमेंट का जो है वो एक बनाया हुआ है बॉक्स, उसके अंदर है सीमेंट और स्टील के कुछ रॉड बने हुए हैं, ये स्टील के बने हुए हैं। फिर कुछ स्टोन्स हैं वो हम नीचे लिखेंगे। फिर टाइल्स हैं मुख्तलिफ किस्म की और वुड की जो हैं ये उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, इसको हमने फिल करना है इसके साथ। उसके बाद इसकी ब्लैंक्स हैं, हमें टू ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से हमने एक जो है वो चूज़ करनी है और उसको ब्लैंक में जो है वो फिल करना है। जैसे नंबर वन है वी शुड कीप आर हाउस, तो हाउस में हमारे पास टू ब्लैंक्स हैं, टू ऑप्शन दी गई हैं, एक क्लीन है और एक डर्टी है। तो हमें अपने घर को क्या करना चाहिए, क्लीन जो है वो रखना चाहिए। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स और ग्रास की ऑप्शन दी गई है, तो सम हाउसेज, कुछ घर जो है वो किससे बनाए जाते हैं, ब्रिक्स के साथ यानी ईंटों के साथ। एंड रूफ्स ऑफ हाउसेज इन हॉट प्लेसेज आर, जो हॉट प्लेसेज होती हैं वहाँ पे हम किस किस्म की छतें जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो बनाते हैं, उसमें ऑप्शन हमारे पास हैं फ्लैट
और स्लोपिंग, तो जो हॉट एरियाज़ होते हैं, हॉट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे हमने फ्लैट रूफ जो हैं उनकी छतें जो हैं वो बनाते हैं। इन अ हाउस अ कारपेंटर मेक्स, घर में एक कारपेंटर जो है वो क्या करता है या क्या बनाता है, वो टैप्स या विंडोज़, तो हम विंडोज़ होते हैं वो एक कारपेंटर जो है वो बनाता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में हमारे पास बी पार्ट में है, इन प्लेसेस विच हैव हैवी रेन एंड स्नो द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ, कैन यू एक्सप्लेन वाई, यानी वहाँ पे स्लोपिंग रूफ जो है वो क्यों बनाई जाती हैं, जहाँ रेनफॉल या स्नोई एरियाज होते हैं, तो हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन एंड स्नो कैन रन स्ट्रेट ऑफ, यानी जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल और स्नो होती है जब वो छतों पे पड़ती है तो वो ईजीली जो है स्लोपिंग रूफ की वजह से वो रन स्ट्रेट ऑफ यानी नीचे जो है वो उतर जाती है। देन इसकी और आंसर्स हैं, आंसर इस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ, मेड अप ऑफ, एक घर जो है, घर जो है वो किन चीज़ों से बनाया जाता है, ब्रिक्स होगी इसमें, सीमेंट, वुड, स्टील एंड ग्लास, इससे जो है वो एक घर बनता है। राइट अबाउट एनी टू काइंड ऑफ हाउसेज, टू काइंड आपने बतानी है, दो किस्में आपने बतानी है घर के बारे में कि कौन कौन सी होती हैं, तो फ्लैट रूफ हाउसेज होते हैं एक, इग्लूज होते हैं, टेंट होते हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास हाउसेज आपने इसकी काइंड हमने लिख दी हैं कि फ्लैट रूफ्स हैं और इग्लूज और टेंट हो गए। व्हाट आर द थिंग्स यूज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग हाउस, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत बनाती हैं, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, स्टील और ग्लास से बने हुए जो घर होते हैं ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बजाय इसके कि जो वुड के, जो कि क्ले के साथ हम, हे के साथ, स्ट्रॉ के साथ यानी माटी के साथ बनाते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है पूरा चैप्टर, इसके बारे में मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया, आई थिंक कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप लोग इसे अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, तो काइंडली इसको आपने अच्छे से लर्न करना है ड्यूरिंग अपनी वेकेशंस, ताकि आफ्टर वेकेशन जब आपसे ये सुना जाए तो आप लोग ईजिली जो है वो इसको कन्वे कर सकें हमें भी, और पेपर्स में भी आप इसके अकॉर्डिंग जो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो स्टे होम एंड सेफ लाइफ।